हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है UPSC में CAPF की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ग्रेड बी की पोस्ट होती है। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि UPSC क्या होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ऑल इंडिया में ग्रेड ए, बी, ए एंड सी तीनों ही तरह के पोस्ट की वैकेंसीज पर ईयर करवाती है। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF। इसमें कौन कौन सा फोर्स आता है? अभी फिलहाल जो वैकेंसी आई है BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के अंतर्गत आई है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो 506 यानी 506 पोस्ट आपका रहने वाला है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, तो मैंने अपलोड कर दिया है नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाइए वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाइए फॉलो कर लीजिए वहां। अभी मैं बता दूं आपको कि CAPF वाइज कितना कितना सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। BSF के लिए 186 सीट रहेगा, CRPF के लिए 120 सीट्स होंगे, CISF के लिए 100, ITBP के लिए 58 एंड SSB का 42। ओवरऑल यू नो कि 506 सीट आई है। अब इन पोस्ट की रिगार्डिंग अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी? देखिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है 26 अप्रैल, यानी कल से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 14th of May है, बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 14th of May। उतना लंबा इंतजार करिएगा, जानते हैं ऑनलाइन करते टाइम सर्वर इशू वगैरह होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आपको बताते चलूं कि एग्जाम का डेट ना साथ ही साथ वहां पर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, 4 अगस्त 2024। इस डेट को ना आप एकदम रिमाइंड कर लीजिए, इस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। अब आगे देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने में क्या फी लगता है। जनरल OBC से 100 रुपीज, वहीं पर अदर कैटेगरी जैसे SC ST और ऑल इंडिया की जो भी फीमेल कैंडिडेट है ना, उनका फी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी और किस डेट से एज कैलकुलेट किया जाएगा। एज ऑन 1st of August 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार 20 वर्ष से 25 वर्ष, विच मीन्स 20 to 25 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट होंगे ना, सभी इलिजिबल रहेंगे। और आपको पता है कि अपर एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 ईयर्स का मिलेगा और SC ST को 5 ईयर्स का। आई होप यहाँ तक आपकी सारी बेसिक डिटेल क्लियर हो चुकी होगी। आगे बात कर ले कि व्हाट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए ये रहेगा। अब ग्रेजुएशन में आपका क्या परसेंटेज है ये कोई मैटर नहीं करता। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम वाले कैंडिडेट, जो भी पास आउट कैंडिडेट है, सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि किन किन प्रक्रिया से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, विच इज ऑफलाइन एग्जाम, आपका पेन एंड पेपर मोड में होता है। आपको पहले ही बता दिया 4 अगस्त को होगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आप ज्वाइनिंग लेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अपना पहला कदम बढ़ाते हैं और एकदम डिस्क्रिप्टिव में आपको अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले स्टेज पर जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होता है सेम डे ना, आपको 5 घंटे का एग्जाम होता है। जी हाँ, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 2 घंटे का पहला आपका शिफ्ट रहेगा, जिसमें कि 125 प्रश्न, 250 नंबर पर क्वेश्चन, आपको कितना 2 मार्क्स मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग से आपका पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, ये समझ गए आप। वो 2 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है, देन अगेन सेम डे आपका पेपर 2 होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये आपका 3 घंटे का होता है। टाइमिंग सहित आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में, तो अच्छे से पढ़ लेना है। पेपर 2 में जब डिस्क्रिप्टिव होगा ना, तो जनरल स्टडीज से होगा,
ऐसे अनकॉम्प्रिहेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी रहेगा कि इंग्लिश रहेगा, इसमें तो आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे मैथ रीजनिंग के। जनरल स्टडीज में भी सेम ही बात है, लेकिन एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपको आंसर करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आंसर कर सकते हैं। 6 क्वेश्चंस होंगे टोटल 200 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल 5 घंटे का एग्जाम है, सेम डे कराया जाएगा। आई होप एग्जाम की पैटर्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। फिजिकल में मैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताऊंगी। सबसे पहले होगी आपकी हाइट की मेजरमेंट। फॉर मेल कैंडिडेट आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद 100 मीटर का रेस होता है, जो कि मेल को 16 सेकेंड में और फीमेल्स को 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है। देन अगेन आपका 800 मीटर का रेस होता है, 3:45 टाइमिंग फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर फीमेल्स 4:45। अगेन फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप का टेस्ट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर का एंड फॉर फीमेल्स 3 मीटर का। लास्टली आपका शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंकना होता है 7.26 केजी का, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये टेस्ट होता है। 4.5 मीटर आपको फेंकना होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब रही बात कि एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है, वो डिटेल्स आपको सब मिलेंगे नोटिफिकेशन के अंतर्गत। ये वैकेंसी भी ऑल इंडिया के लिए रहेगी, तो जब आप सर्विस करेंगे, आपको पता है कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आइए मैं बता देती हूँ, शुरुआत में आपको सैलरी मिलती है 56,100 रुपीस की, मतलब 56,100 रुपए से शुरुआत होती है। उसके बाद जब सैलरी में इंक्रीमेंट होती है ना पर ईयर, तो आपकी सैलरी 1,77,500 रुपीस, मतलब 1,77,500 हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सारी की सारी डिटेल इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया आपको। अब भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।